प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। देखिए, 7 गोलियां उमेश पाल को मारी गई थी। पुलिस ने अब तक कई सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए हैं और कुछ लोगों को उठाया भी है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। अतीक अहमद और उसके परिवार के खिलाफ पीड़ितों ने मुकदमा करवाया है और अतीक जेल में है। उसके बेटों से पुलिस पूछताछ कर रही है और कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये जो बीच में आप तस्वीर देख रहे हैं, उमेश पाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, और वहीं जो विधायक पूजा पाल हैं और उमेश पाल के जो परिजन हैं उनके बीच तीखी बहस भी हुई थी। उमेश को 7 गोलियां मारी गई थी, बमबाजी भी हुई थी, कार को घेरा गया था जब वो अपने आवास के अंदर वो जो गली से होकर गुजरने की कोशिश कर रहे थे। पहले से घात लगाए बदमाशों ने पूरी रेखी कर रखी थी, प्लानिंग की हुई थी, उसके तहत उनको गोली मार दी गई। 7 गोलियों से छलनी कर दिया गया उनका शरीर, और ये जो आप देख रहे हैं परिजन। लेकिन उमेश अपने से कोई नहीं लड़ता, अपने से कोई नहीं लड़ता। और आज देखिए, समाजवादी पार्टी विधायक पूजा पाल ने उमेश के परिवार को अतीक से खतरा बताया, और पूजा पाल ने कहा है कि परिवार को खतरा है, सुरक्षा बढ़ाने की दरकार है। नहीं, सुरक्षा तो मांगेंगे ही, इतना बड़ा मुकदमा चल रहा है और देख तो रहे हैं हम लोग कैसे लड़ रहे हैं। अब हम लोग को नहीं सुरक्षा मिलेगी तो फिर आगे कैसे हम लोग कर पाएंगे? नहीं, अभी हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। क्या करेंगे, सीएम से या सरकार से? हाँ, मिलेंगे। सुरक्षा अपनी सुरक्षा के लिए कहेंगे, गवाहों के लिए कहेंगे, और सुरक्षा नहीं मिल पाएगा तो कौन जाएगा, आप बताइए। डर लग रहा है आप लोगों को? डर तो है ही है, देख तो रहे हैं। तो राजू पाल के गवाह उमेश पाल की हत्या कैमरे में कैद है। उसके पहले ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये पूजा पाल विधायक और जो उमेश पाल जिनकी हत्या कर दी गई, उनकी पत्नी के बीच तीखी नोकझोंक बहस भी हुई। लेकिन पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं अपराधियों को पकड़ने के लिए, और जितने भी आरोपी हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि बख्शे नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।